Good morning, sir. Good morning, Mr. Amar. Please sit down. Thank you, sir. By the way, research work कहाँ तक पहुँचा? चल रहा है, sir. सुनो, California Medical Center से letter आया है. हम उनसे कब मिल रहे हैं ये पूछा है. यही दो तीन दिन में. I'll finish my job. Good. नवंबर में World Medical Conference है. उसमें हमें अपनी थीसिस सबमिट करनी होगी. Sure, sir. Before that, I want to go to a deep jungle, sir. वहाँ अलग-अलग सांपों का जहर इकट्ठा करके स्टडी करनी. इसलिए, if you permit me, I'll go tomorrow itself. इसमें क्या हुआ? By all means. Thank you, sir. सावित्री, डार्लिंग सावित्री, कहाँ हो? इतनी रात गई पूजा? आज क्या शिवरात्रि है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी तैयारियां कल सुबह के लिए हैं। अच्छा बताओ, आप इतना लेट क्यों आए? सावित्री, आज देर से आने का कारण है लैब रिसर्च। वहाँ से अच्छे पति की तरह जल्दी निकला, पर रास्ते में दिल्ली बीच में आ गई क्या? नहीं, एक एम्बुलेंस बीच में आ गई। एम्बुलेंस? हाँ, किसी की शादी का ट्रिप था, वैन और लॉरी का एक्सीडेंट हो गया। स्पॉट पर ही चार लोग आउट, चार लोग सीरियस। जो बचे थे उनमें से दुल्हन और चार बच्चे। बेचारी, उस लड़की का दुख देखा नहीं गया। अरे सावित्री, तुम क्यों रो रही हो? बेचारी, उसकी शादी होने के बावजूद एक दिन भी वो सुहागिन की जिंदगी नहीं बिता पाई। लगता है भगवान उस पर नाराज थे। जो भगवान ने उस लड़की को सुहागिन के बजाय विधवा बना दिया। सावित्री, तुम्हारे रोने से क्या फायदा? सुनो, उसके नसीब में यही लिखा था। बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते। मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखो देखो, यही मुझे पसंद नहीं। ऐसे व्रत रखोगी तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। चलो खाना खा लो। आप डॉक्टर हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं इसलिए व्रत रखती हूँ ताकि मेरे पति और बच्चे को भगवान का अनुग्रह मिले। ठीक है, तुम जानो तुम्हारा भगवान जाने, मैं बीच में नहीं आऊँगा। सावित्री, कल मैं और बुद्धू जंगल जा रहे हैं। वही हमेशा की तरह रिसर्च, और मुझे उसके लिए लगेज पैक करना होगा, है ना? सावित्री, बिलीव मी, ये आखिरी बार है। बहुत भूख लग रही है, खाना नहीं परोसोगी? थैंक यू। आज क्या स्पेशल है? पालक पनीर बनाया है क्या? नहीं, दाल चावल। ये क्या साहब, हमेशा आप अकेले ही आते थे, इस बार अपने साथ किसी और को भी लाए हैं? अच्छे हो ना? जी अच्छा हूँ। ये मेरे साथ है, तुम परेशान मत हो, पहले जल्दी से कॉफी बनाओ। हाँ बेटी, साहब आए हैं, फर्स्ट क्लास कॉफी बनाओ। सुन इधर आ, बैल हल जोतता है पर ऊपर वाले शिकायत नहीं करता, फिर तू किस खेत की मूली है? चल जल्दी से गाड़ी सामान निकाल। चल साहब के भी साहब आ गए। साहब कहाँ है? क्यों, मैं तुम्हारी इन झील सी आंखों में साहब नहीं दिख रहा? मुझे मुंडाता अपने आप को साहब कहते हो, ये रुआब अपनी शहरी बिल्लियों पर दिखाना, यहाँ जंगली बिल्लियाँ रहती है। हाँ बिल्कुल सही कहा, तेरा नाम क्या है? हाथ जोड़ कर कहूँ तो कावेरी, हाथ हिला कर कहूँ तो कटारी। साहब कहाँ है? पहले मुझे दो, फिर साहब को। अंदर है जाओ। जंगली है तो क्या हुआ, काफी बढ़िया है। साहब जी कॉफी रख दो। ए बुद्धू। हाँ। डीप फॉरेस्ट में जाना है, सब तैयार है ना? हाँ सब तैयार है। सर। हाँ
इस जंगल में हाथी वाती हैं क्या? हाँ है। कहाँ है? तुम हो ना? साहब रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। ए बुद्धू पानी दे। सर हमें इस जंगल में और कितनी दूर जाना होगा? बस यही और 2 किलोमीटर। बुद्धू अपने काम का सारा सामान लाए हो ना? हाँ सब बनवा कर साथ में लाया हूँ। बनवा कर लाए हो? हाँ। इससे क्या मतलब तुम्हारा? वही मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फिश फ्राई और पीने के लिए। ए, वो सब नहीं, अपने काम में आने वाली चीजें। वो सब तो मैंने आपके बैग में रख दिया, और खाने पीने की चीजें मेरे बैग में। खाने के बाबत में तुमसे कोई नहीं जीत सकता, चलो। आपको क्या पता सर, आज के जमाने में इंसान अगर खाए पीना रहेगा तो गैस प्रॉब्लम हो जाएगी। सपेरे को बुलाया था ना? हाँ उसे तो मैंने सुबह ही बोल दिया था, अब तक तो वो पहुंच भी गया होगा। संभल के गिर जाओगे। ऐसा आप भी संभल के चलिए, कहीं आप भी ना गिर जाए। सलाम साहब। सलाम। ए बुद्धू इधर आ। क्यों साहब? ये पकड़। क्यों भाई, कितने सांप पकड़े हैं? 7 सांप पकड़े हैं साहब। सुनो बुद्धू, सांप की लंबाई, कैंचुली का रंग, उसके विष का प्रमाण, ये सब ठीक से लिखना। ठीक है साहब। सांप दिखाओ। जहर को संभाल कर रखना। लो सुनो भाई, इस जंगल में कहीं पर नाग तीर्थ है, वो कहाँ पर है? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। चलो दिखाओ। इस समय वहाँ कोई नहीं रहता है, बहुत भय लगता है, वहाँ बड़े बड़े सांप है, मैं नहीं आऊंगा। ए बुद्धू इसे पैसे दे के भेज दो, हम चलते हैं। मैं नहीं आऊंगा, अंधेरा हो गया है, आप जाकर आइए, आपके लौटने तक मैं आपके खाने पीने के लिए सारा इंतजाम करके रखता हूँ। तुम भी बहुत डरपोक हो, खाने पीने के सिवाय और कुछ नहीं सोचता, जाओ। हाँ, आप होकर आइए। चल उठा। ए चल। Thank you.
नाग देवी। नाग देवी, हमारी इच्छा की पूर्ति हुई। हमारी इतने वर्षों की तपस्या से, उस महाप्रभु की कृपा से हमें यह वर मिला। हम अब इच्छाधारी हैं। हम इच्छा अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य का रूप धारण करके अपने प्रेम का प्रत्येक क्षण आनंद पूर्वक तृप्त मन से अनुभव कर सकते हैं। आओ नाग देवी। हाँ नागराज, जन्म जन्मांतर से हम केवल प्रेमी हैं। आज हमारी इच्छा पूर्ति हुई। अब इस जीवन का हर एक क्षण हमारे इसी जीवन के लिए होगा। आज मैं इतनी संतुष्ट हूं कि मुझे गाने का, नाचने का, स्वयं को तुम्हें समर्पित करने का मन करता है। हाँ नाग देवी, और देर नहीं होनी चाहिए। आज हम दोनों इस रूप में स्वर्ग के सुख का अनुभव करेंगे। आओ, स्वयं को रोको नागराज। इच्छा युक्त आवेश को मन के बंधन में जकड़ लो, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि कुछ अनर्थ हो जाए। क्यों नाग देवी? नई सृष्टि के मिलन के लिए अभी समय नहीं हुआ है नागराज। बिना मुहूर्त के, बिना समय के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, इसीलिए। तो हमारा मिलन किसी और जन्म में होगा? नहीं, कल रात को। अर्थात? अर्थात कल आने वाली पूर्णमासी की रात, नीले आकाश के नीचे, इस हरियाली धरती पर, चंद्रमा की रोशनी और रात रानी के फूलों की खुशबू में हमारा मिलन होगा। मनुष्य लोक हो या देव लोक, किसी ने न देखा हो ऐसा होगा हमारा मिलन। हमारे इस अद्भुत मिलन को देखकर पंचभूत भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। Thank you.
अपनी यही कामना। मन मिलन सपना होगा जिसको कह दो दिलों का, मन मिलन सपना होगा जिसको कह दो दिलों का, यही मन में देखो अपना। ये गाड़ी किसकी है? रेंजर साहब और आपके दोस्त आए हैं। कब आए? कल रात ही आए, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ गए थे? नागतीर्थ गया था। क्या नागतीर्थ? हाँ, क्यों मजा आया ना? बहुत मजा आया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों उमर, पूरी रात रिसर्च में गुजार दी? तुम्हारे लिए रुके हुए हैं। ए बुद्धू, जरा कॉफी मंगा। कावेरी साहब के लिए कॉफी लाओ। यार इसका लुक तो देखो, ऐसे देख रहा जैसे हम यार क्यों आए हैं। अरे यार, हमारे आने से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? ऐसी कोई बात नहीं यार। अच्छा ये बताओ, अचानक यहाँ क्या बात है? यही तो सस्पेंस है, ये कौन है जानते हो? क्यों इसे पहचाना नहीं? जब हम नाइट में थे तब हमारे साथ पढ़ता था ना राकेश, ये वही है। वही यार जो पैसे कमाने के लिए मुंबई चला गया था, ये वही है। अब पैसे कमा के वापस आ गया है। हाय। हाय अमर, तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था, पता चला कि तुम यहाँ आए हो, इसीलिए आप पर्सनली तुमसे मिलकर तुम्हें अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। ओह, तुम्हारी शादी हो रही है? कांग्रेट्स। थैंक यू। यार अमर, इतना डर क्यों हो? क्या बात है बताओ। कुछ नहीं यार। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो, क्या बात है बताओ ना। पूरी रात साहब जंगल में थे ना, शायद किसी मोहिनी को देख लिया होगा। तुमसे तो वही अच्छी होगी। यार कुमार, कल रात मैंने एक चमत्कार देखा, विश्वास नहीं हो रहा है। अभी भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चमत्कार? कैसा चमत्कार? hey, कावेरी, मेरे लिए एक और कप कॉफी लाना। यार अमर, तुम भी आजकल अच्छी छोड़ने लगे हो, तुम्हारी बात पर हम विश्वास करें। हे गुरु, कावेरी ने सच कहा। हाँ। इसे सचमुच मोहिनी ने अपने वश में कर लिया है। अरे यार अमर, एक डॉक्टर होकर वो भी इस युग में कंप्यूटर के जमाने में ये सब मानते हो, छोड़ो भी यार। मतलब मेरी बात पे विश्वास नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक काम करो, आज रात तुम सब मेरे साथ चलो, वो नाग कैसे मनुष्य का रूप लेते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सच कह रहे हो? डेफिनेटली। नहीं साहब जी, अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए क्यों पाप को अपने सर बांधे? कल आप उनकी नजरों में नहीं पड़े, इसीलिए बच गए, नहीं तो आपकी लाश पड़ी होती। हेलो, तुम जरा अंदर जाओगे? सर जी, कल जो आपने देखा वो अनजाने में देखा, जानबूझकर फिर से देखेंगे तो पाप लगेगा,
वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा साथ जी? हेलो, बहुत हो गया, अब जाके अपना काम देखो। चल व्यक्ति। वाओ, यानी हम दोस्तों की पार्टी आज रात जंगल में ही जमेगी। सर, मैं वहाँ जंगल में नहीं आऊंगा। कैसे नहीं आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा। सर, मुझे बहुत भूख लगी है, चलकर नाश्ता करते हैं। ठीक है, पहले जाके वो काम कर। तुम भी चलो यार, मिलकर नाश्ता करते हैं। यार कुमार, वो कावेरी लड़की मेरे मन को बुरी तरह भा गई है, जाने से पहले उसे पाना चाहता हूँ। तेरी शादी होने वाली है यार, कम से कम अब तो शर्म कर। चल चल। लगता है उसी मोहिनी की आवाज है। ये मोहिनी की नहीं, उसी नागिन की आवाज है। चलो। अब मिलन अपना होगा, जिसको कहो दिलों का। अब मिलन अपना होगा, जिसको कहो दिलों का। होगा अपना पूरा राकेश, तूने गोली क्यों चलाई? ए, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं सांप को नहीं मारता तो सुंदर कन्या को काट लेता और वो मर जाती। वो कन्या नहीं, नागिन है। जिस पर तुमने गोली चलाई वो नाग था। वो दोनों नाग नागिन मनुष्य का रूप धारण करके गा रहे थे। अच्छा। क्या अच्छा, जल्दबाजी में तुम हमेशा ही उल्टा करते हो। सुनो, जल्दी से उस मरे हुए सांप का दाह संस्कार करना होगा। कम ऑन, सर्च। साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। नाग देवी, जिस के लिए हमने तपस्या की थी वो तपस्या मेरे लिए मूर्ति बन गई। हमारी इच्छा, हमारे सपने, उन सभी का अंत हो गया। नाग देवी, हमारी तपस्या में
अवश्य कोई दूसरा होगा। वो दोष हमारी तपस्या में नहीं था नागराज, उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मृत्यु देने वालों को खोजकर उनकी पत्नियों को विधवा बना दूंगी। मैं जिस दुख और विरह वेदना का अनुभव कर रही हूं उसे वे भी अनुभव करेंगी। ये केवल चेतावनी नहीं है नागराज, शपथ है, शपथ है, शपथ है। सर, इस तरह गुमसुम रहने से कोई फायदा नहीं होगा। लीजिए सब लोग एक एक राउंड पी लीजिए, डर अपने आप गायब हो जाएगा। लीजिए चीयर्स। मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। इच्छाधारी नागिन बदला लेकर ही छोड़ती है। सोचा था कि चमत्कार दिखाऊंगा, पर किसे पता था कि ये उस सांप को मार डालेगा। अचानक घटी घटना के लिए नसीब ही तो कारण होता है। मुझसे हुआ इससे भी हो सकता है, अब छोड़ो भी इस बात को। और फिर एक मामूली सा सांप ही तो मरा है, इसमें तुम लोग इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? सुनो, नाग का दोष 12 साल का होता है, और फिर जिस नाग को मारा है वो वरदान प्राप्त इच्छाधारी नाग था। वो किस जन्म में क्या करेगा नहीं पता, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। अमर, जब तक वो नागिन हमसे बदला लेगी तब तक हम लोग यहाँ थोड़ी रहेंगे। सुबह उठकर शहर चले जाएंगे, वहां से अपने अपने घर चले जाएंगे। उस नागिन को हमारे घर का पता ठिकाना मालूम है क्या? सर, हम तो यहाँ से चले जाएंगे ऐसा कहके सब भूल सकते हैं, लेकिन हमारे शहर के साथ, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ ही जानकर क्या वो बदला नहीं लेंगे? वो मनुष्य थोड़े ही है जो उन्हें एकता नहीं होगी। चुप, क्यों बार बार सांस साफ बोलकर चिल्ला रहे हो? और 2-3 पैक पीकर खा पीकर सो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। यानी सांप के आने की चांसेस है? शायद, किसे पता। साहब जी, खाना तैयार है, सब आइए। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। चलो। मतलब वो नागिन जिसने उस सांप को मारा है उसी से बदला लेगी ना? और नहीं तो क्या, हर किसी को काटने के लिए वो खटमल थोड़ी ना है तुम्हारी तरह। नहीं, मैं जब सो जाऊंगा तो वो आकर मुझे डसेगी तो नहीं ना? मेरे सामने तो कह दिया, मगर उस नागिन के सामने कहोगे तो परेशान होकर वो तुम्हें डस लेगी। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। कोई देख तो नहीं रहा, ले लो। अरे ले लो, क्या सोच रही हो? सुनो, वो नागिन अगर आकर तुमसे मेरा पता ठिकाना पूछे तो तुम उसे बताना नहीं, समझ गई? ठीक है ठीक है, आके खाना खा लो। क्या खाना? अभी आता हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय। देख लिया ना, किसी को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? तुमने बेकार ही सबको डरा दिया। सुनो, जरूर हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा इसलिए कुछ नहीं हुआ, फिर भी यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। जल्दी तैयार हो जाओ, निकलना है। ये बुद्धो, चल। तुमने मुझे क्यों बुलाया? आपसे मुझे थोड़ी बातें करनी थी, आइए ना।
आइए ना। ए कावेरी, कावेरी रुको। कावेरी, बताओ क्या बात है? पहले बैठी तो सही, बताती हूँ। क्यों साहब जी, आपको इस कावेरी से प्यार नहीं है? बिल्कुल है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे बुलाते ही चला आया। यानी प्यार नहीं, इच्छा है। दोनों का मतलब तो एक ही है ना? बातें अच्छी बना लेते हैं। तुम भी कुछ कम नहीं हो, बातों से ही मन जीत लेती हो। अचानक तुम्हें गुस्सा क्यों आ गया कावेरी? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारे प्राण चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। क्यों घबरा गया? यही घबराहट जब मेरे नागराज को मारा, तब कहा थी? देखो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दो नाग देवी, मुझे मत मारो, दया करके मुझे छोड़ दो। मेरे सर्वस्व नाग, मेरे नागराज को मारने वाले को यदि मैं छोड़ दूं, तो ये नागलोक के लिए अपमानजनक बात होगी। मैं तुझे हरेक क्षण मृत्यु का अनुभव कराना चाहती हूँ, तभी मेरे नागराज की आत्मा को शांति पहुंचेगी। सारा लगेज गाड़ी में रख दो। राकेश जी ने अभी तक सामान नहीं बांधा है, कमरे का दरवाजा खुला है, अंदर कोई भी नहीं है सर। अच्छा, कहाँ चला गया? वो कावेरी के साथ जंगल की तरफ गए थे। ए, मुझे क्या समझ रखा है, मैं सुबह से यही हूँ। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, सुबह से मेरे सारे काम कर रही है। क्या कहा? कुछ नहीं, काफी नाश्ता वगैरह। अच्छा, तुम जुड़वा हो? नहीं, मैं अपने बाप की इकलौती औलाद हूँ। अच्छा, बेचारे को लगता है ठीक से दिखाई नहीं देता। ए, तूने किसे देखा, ठीक से बता। नहीं सर, इसी के साथ गए थे, दोनों को हंस हंस के बातें करते हुए मैंने खुद देखा था। ए कुमार, ये कह रहा है कि कावेरी के साथ गया, लेकिन कावेरी यहीं पर है, समथिंग इज रॉन्ग। चलो देखते हैं। राकेश, राकेश, कुमार वो कहाँ गया होगा, चलो वहां चल के देखते हैं। यहाँ भी नहीं दिख रहा है। राकेश, 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 वो रहा राकेश।
राकेश क्या हुआ तुम्हें? राकेश संभालो सर। राकेश राकेश, वो नागिन कावेरी के रूप में आकर मुझे डस गई। राकेश राकेश, क्या हुआ? सॉरी कुमार, इज नो मोर। ये उसके पीछे क्यों गया? मैंने कितनी बार समझाया मगर लड़की के चक्कर में आके अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी शादी के लिए हम सबको इन्वाइट करने आया था, कुछ देर पहले हमारे साथ था, पर अब सुना अमर, वो नागिन जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर मारना ही होगा, उसे छोड़ना ठीक नहीं। छोड़ेंगे तब ना जब हमारे हाथ लगेगी। उसी दिन हमारे साहब ने कहा था कि वो इच्छाधारी नागिने किसी भी रूप में आ सकती है, गायब हो सकती है। सुनिए, पहले इस जंगल को छोड़ना होगा। चलिए उठाइए इसे, चलिए चलो चलो। सॉरी फ्रेंड्स, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अब वो नागिन किस रूप में आकर किसको डसेगी पता नहीं, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना होगा। चलो चलो। माँ माँ, ये क्या बेटी, घर से बाहर जाते हो तो दुनिया ही भूल जाते हो, एक फोन भी नहीं करते। मैं रोज फोन करना चाहता था माँ, लेकिन। लेकिन क्या? दरअसल माँ, मेरा एक दोस्त राकेश था, याद है? वो मर गया। कैसे, क्या हुआ था? नाग के श्राप से माँ। मतलब? माँ, जिस जंगल में हम गए थे वहाँ हमने एक इच्छाधारी नाग की जोड़ी देखी, वहाँ राकेश ने नाग की हत्या कर दी। तब नागिन ने नाग का बदला लेने के लिए राकेश को ढक लिया। ये क्या, कम से कम आपको तो सावधानी बरतनी चाहिए थी ना। सांप को मारने से पाप लगता है पता है ना, फिर भी आपने वरदान प्राप्त इच्छाधारी नाग की हत्या की। अब आपको क्या कहूँ, देखिए इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कल ही नाग देवता के मंदिर जाकर दूध से अभिषेक करवाना होगा। सावित्री, मुझे कुछ नहीं हुआ है, धीरज रखो। ऐसा मत कहिए प्लीज, आप कल एक दिन ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। मेरी बात मानो, उस नाग की हत्या का कारण मैं नहीं हूँ। गलती तो गलती ही है। अच्छा ठीक है, भगवान से क्षमा मांग लेंगे। सुनो, पार्वती का पूरा ख्याल रखना। देखा, आपने जो अनजाने में भूल की वो आपके ही मन को कचोट रही है, इसीलिए मैं मंदिर जाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, समय मिलते ही चलेंगे। अब खुश? तो बोलिए कब चलेंगे? अगले महीने। अगले महीने? क्योंकि रिसर्च का काम पड़ा है, कॉन्फ्रेंस भी नजदीक आ रही है। वो सब मैं नहीं जानती, आपको मंदिर चलना ही पड़ेगा। सावित्री प्लीज, सावित्री सावित्री, तुम जो बोल रही हो मैं समझ रहा हूँ, मगर मेरी प्रॉब्लम भी समझो। चलेंगे, काम खत्म होते ही चलेंगे। स्माइल प्लीज। गुरु, ठीक है। ओके ओके ओके, तुम्हें मुझसे कोई खास बात करनी इसलिए यहाँ बुलाया है ना, कहो क्या बात है। मेरी दीदी लड़का ढूंढ रही है। क्यों, तुम्हारे जीजा कहाँ गए? ओहो, वो कहीं नहीं गए, घर में ही है, लड़का देख रहे हैं मेरे लिए। ठीक है, अच्छा हो तो शादी कर लो। गुरु, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, और मेरी जान आफत में है। मैं दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ तुम्हारी, किसी और की नहीं। वैसा हुआ तो मैं जान दे दूंगी। हे, ऐसा कुछ मत करना, तुम्हारा दूल्हा और कोई नहीं, मैं बनूंगा। गली मंदिर में हमारी शादी होगी। ओके दीदी, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके चले। ओके सुनो, घर में किसी से कभी झगड़ा नहीं करना, अपनी शादी की बात भी किसी से मत कहना, शाम 7 बजे मेरे घर आ जाना। ओके ओके, बाय बाय।
या या आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। ओके बाय। क्यों मैम साहब, लगता है कहीं जाने का इरादा है? आज मेरी फ्रेंड्स ने मुझे प्लेइंग कार्ड मीटिंग में बुलाया है, बस वहीं पर जाना है। क्यों, वहाँ कोई खास बात है? यस वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए 50,000 रुपए कैश चाहिए, आज बैंक की छुट्टी है। 50,000 किस लिए? आज तक मेरे डैडी ने नहीं पूछा, आपने क्यों पूछा? संगीता, पैसा खर्च करना बहुत आसान है लेकिन उसी पैसे को कमाना कितना मुश्किल है जानती हो? मैं भी कमाने के लिए ही जा रही हूँ। कमाने के लिए? हाँ, आज के दिन मेरा लक बहुत अच्छा है, इसीलिए कैसे भी 1,00,000 रुपए का जैकपॉट मुझे मारना ही है। संगीता, मैंने पहले भी कहा है कि कार्ड्स खेलना औरतों को शोभा नहीं देता। ये बात मर्द पति के मुँह से अच्छी लगती है, घर जमाई के मुँह से नहीं। घर जमाई के लिए भी एक मर्द की जरूरत होती है जो लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, लेकिन मैंने तुमसे शादी करके बड़ी भूल की। हेलो, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, देता हूँ, लो 50,000। अच्छा बेटे, अगर लड़की ने उनकी बात नहीं मानी तो उसकी दीदी और जीजाजी उसकी शादी कैसे करेंगे? कैसे मतलब? लड़की के भविष्य की चिंता करने का हक हमें है, ये हमारा अधिकार है, वो ऐसा कहेंगे। इसका मतलब तुम्हारे लिए नजरे बिछाए बैठी मीनाक्षी का हाथ छोड़ दोगे? देखो माँ, तुमने कह दिया ना कि वही इस घर की बहू है, इसलिए कल मंदिर में शादी फिक्स की है, अपने फ्रेंड्स को भी आने के लिए कह दिया है, हम सब यहाँ से साथ ही चलेंगे। ए मीनाक्षी, आओ मीनाक्षी बैठो, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। माँ जी, मेरी दीदी और जीजा जी ने मुझे बंद करने की बहुत कोशिश की, मैं जैसे तैसे भाग कर आई हूँ, अगर आप मुझे नहीं स्वीकारेंगी तो किसी कुएं में कूदकर मैं जान दे दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? लड़की जब अपनी ससुराल आती है तो पति का घर सुख संपत्ति से भरा रहे यही सोचती है, और तुम हो कि मरने की बात कर रही हो? सुनो बेटी, आज से ये तुम्हारा ही घर है, आओ बेटी। क्या सोच रही हो बेटी, अब तो हमने तुम्हें इस घर की बहू स्वीकार लिया है, जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मैं जाकर गुरु को दूध देकर आती हूँ। माँ जी मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। कल तो तुम उसकी पत्नी बनने ही वाली हो, लो। सुनिए, ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, दिल बहुत घबरा रहा है। देखो तुम यहाँ आ गई हो, कल हमारी शादी होगी, फिर तुम्हारी दीदी जीजाजी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक बालिक लड़की हो, तुम किसी से भी शादी कर सकती हो। फिर भी मेरा दिल टिक टिक करके धड़क रहा है, सुनो। क्यों गए, क्या हुआ? देखो तुम्हारा दिल डर के कारण टिक टिक कर रहा है, लेकिन मैंने अगर तुम्हें छू लिया तो दिल ही बाहर निकल जाएगा, तुम आज एक दिन सेफ्टी के लिए माँ के कमरे में जाके सो जाओ, समझ गए? ठीक है, तुम ये दूध पियो, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। गुरु, अभी तो ना।
क्या मीनाक्षी, प्यार करने वाले क्या दुनिया में ऐसे प्यार करते हैं हाथ पांव बांध के? आपने सच कहा, लेकिन आज यहाँ आई हूँ मैं प्यार करने के लिए नहीं, तेरे प्राण लेने के लिए। नागिन तू? हाँ मैं। क्यों, मुझसे डर लग रहा है? आंखों के सामने मृत्यु को देखकर किस प्रकार का भय लगता है तुम अब जान गए ना? हाँ, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। कल मेरी शादी होने वाली है। हाँ? मुझे कुछ मत करना। हाँ? प्लीज। मैं और मेरे नागराज के बीच गंधर्व विवाह होने के उस समय पहले ही तुम लोगों ने मेरे नागराज को मार डाला। हाँ। जिस स्त्री से केवल सुख की आशा रखते हो उसी स्त्री से मृत्यु नहीं चाहिए ना? स्त्री से केवल सुख ही नहीं मृत्यु भी पानी चाहिए, तभी जीवन का अर्थ निकलेगा। अपनी पत्नी के रूप में तुमने मेरे हाथों से मीठा मीठा दूध पिया, लेकिन अब जहर पीना होगा, मेरा जहर, तुम्हें मरना होगा। Thank you.
मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ चली गई? अरे तुम बाहर कब गई मीनाक्षी? लेकिन मैं घर के अंदर ही कब आई माँ जी? रात को। ओहो, आपको भ्रम हुआ है। कल रात गुरु ने ही मुझे घर पर छोड़ा और सुबह आने के लिए कहा था। तो क्या कल रात तुम अपने घर पर ही थी? जी हाँ। इसका मतलब गुरु? गुरु, गुरु जी, यहाँ देखिए, किसी ने उनके पैर बांध रखे हैं। किसने बांधे होंगे? चेहरा भी नीला पड़ गया है, मुंह से झाग भी निकला है। यहाँ देखिए, किसी ने काटा है। लगता है किसी सांप ने काटा है। गुरु, मेरे बेटे। पाजी, शांत हो जाइए। गुरु, गुरु। शायद हमें देर हो गई, ये लोग मंदिर चले गए होंगे। हम लोग जो हार लाए हैं वो बेकार हो जाएगा साहब। बेकार नहीं होगा, आओ। हाँ चलिए चलिए गुरु साहब। देखा बेटा, तुम्हें शादी पर बुलाकर खुद परलोक से धार गया। माँ जी, ये सब कैसे हुआ? वो नागिन कल रात इसका रूप धारण करके आई थी बेटा। संगीता, तुम यहाँ मंदिर में? तुम्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे अमावस में चंद्रमा। क्यों सावित्री, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ये बताओ, इस तरह अचानक इस बदलाव का कारण? दरअसल सावित्री, अब तक जीवन का अर्थ सिर्फ खुद की जिंदगी में मजा लूटना था। दूसरों की खुशी में भी खुशी मिलती है ये मुझे नहीं पता था। सिर्फ पैसों से ही सब कुछ खरीद सकती हूँ यही सोचती थी। वो मेरी गलती थी, मैं समझ गई। हमारे पास जो वस्तु है खो जाने के बाद ही उसकी कीमत मालूम पड़ती है। मीनाक्षी ने अपने होने वाले पति को खो दिया, इसलिए मैं अपने पति को खोकर विधवा बनके जीने के बजाय उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ आई हूँ। इतने दिनों तक मैं अपने हाथों को सिर्फ पैसा खर्च करने, कार्ड खेलने, खाने के लिए और पिछले के कामों के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मैं इन्हीं हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने आई हूँ। बहुत खुशी हुई संगीता। इतना सब होने के बाद हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें बचाने की। भगवान के द्वार पर आई हो, सच्चे मन से प्रार्थना करना, भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हम दोनों का दुख एक जैसा ही है सावित्री, जरा भी चुकी तो मांग सुनी हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने सुहाग को बचाना होगा। हमें भगवान से प्रार्थना करके उस नागिन से अपने सुहाग की रक्षा करनी होगी। पूजा का समय हो गया, मैं चलती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, उस नागिन के बदले की आग से हमें अपनी सुहाग को बचाना होगा। Thank you.
देखो बेटी, पूरे एक साल तुम्हारे पति को सावधानी बरतनी होगी। एक संकट का निवारण हुआ नहीं, इस बीच दूसरा पाप उनके हाथों हो गया। इसका कारण है राहु केतु, क्योंकि इस समय राहु केतु के बीच काल सर्प बैठा हुआ है। तुम्हें व्रत रखना होगा, फल देवी पर छोड़ दो। बोलिए स्वामी जी, कैसा व्रत रखना होगा? कल आने वाला शुक्रवार श्रेष्ठ है, स्वाति नक्षत्र है। कल के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भरे हुए 21 कुओं से पूरे 21 कलश पानी तुम्हें 21 सुहागनों से मंगाकर उस काल का देवी का नाम लेकर तुम 21 कलशों की स्थापना करो। सहस्त्र नामों से अर्चना करनी होगी। इस व्रत को इसी प्रकार पूरे 21 दिन बिना किसी विघ्न के अगर तुम करोगी तो शकल दोषों का निवारण होगा। तभी उस नागिन से तुम्हें और तुम्हारे पति देव को तुम्हारे परिवार वालों पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। केवल इतना ही नहीं, तुम्हारे मंगल सूत्र का भाग्य भी और खलेगा। स्वामी जी, आपके कहे प्रकार 21 दिन पूजा करने से मेरे पतिदेव पर छाया संकट पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। देखो बेटी, ऋषि मुनियों ने क्या कहा पता है? श्रद्धा से ओम नमः शिवाय बुलाओ तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। उसी तरह विश्वास के साथ उस देवी की तुम श्रद्धा भक्ति से जैसे मैंने कहा वैसे पूजा करोगी तो तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है स्वामी जी। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, उस देवी की अनुकंपा तुम पर अवश्य रहेगी। धैर्य पूर्वक जाओ बेटी। मैं चलती हूँ।
कौन हूं ये तू नहीं जान पाई है? नाग देवी, तेरे पति के लिए मृत्यु देवी। तेरी पूजा और व्रत रखने से तेरे पति को मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, तू ये समझ रही है? वो तेरा भ्रम है, तुझे यही बताने के लिए आई हूँ। नाग देवी, हम मनुष्य जाति के लोग संतान प्राप्ति के लिए नागशिला की प्रतिस्थापना करते हैं, चिर आयु स्वास्थ्य और अभिवृद्धि के लिए बांबे में दूध चढ़ाते हैं, नागदेव की कुलदेव की समान पूजा करते हैं। ऐसे नागवंश में तुमने नागदेवी के रूप में जन्म लिया, तुम्हारा इस तरह पूजा व्रत में विघ्न डालना अच्छी बात नहीं। मुझ जैसी सुहागिन को सुहाग का भाग्य मिले ऐसा आशीर्वाद देने के बजाय मुझे विधवा का रूप देना तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरे और मेरे नागराज के मिलन के संतोषजनक समय में तेरे पति और उसके दोस्तों ने मेरे नागराज को मारकर मेरे इस जीवन को अधूरा बना दिया। मेरे संतोषजनक जीवन को तेरे पापी पति ने निराशाजनक बना दिया। ये उसे शोभा देता है? नागदेवी, नागराज की मृत्यु का कारण मेरे पति नहीं है। तू कुछ भी कह ले सावित्री, लेकिन मेरे अंदर की ज्वाला बुझेगी नहीं। तुझ में जो दिव्य शक्ति है उसके बलक्षीण हेतु तेरी हरेक पूजा हरेक व्रत में मैं विघ्न डालूंगी। अति शीघ्र मैं तेरे पति की मृत्यु का मुहूर्त निकालने वाली हूँ। सुनो, अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी के साथ कदम चलकर सुहागिन का भाग्य पाया है मैंने। हाँ। मैंने जो मांग में सिंदूर लगाया है वो मेरे पति की उम्र बढ़ाएगा, और मंगलसूत्र में यमराज को रोकने की शक्ति है। मेरे बालों में लगे पुष्प शुभ संकेत है, पांव के बिछुए कामदेव को दूर रखने वाली जंजीर है, ये चूड़ियां सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन तुमने सुमंगली होने से पहले ही विधवा का रूप पा लिया। मुझ जैसी पतिव्रता पर देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम मेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा तो तू भी देख लेना, मनुष्य जाति वाली तू बड़ी है या देव वंश प्राप्त मैं बड़ी। अरे अमर। नमस्ते साहब। ओ कुमार, प्लीज टेक योर सीट। तुम इतने उदास क्यों हो? उदास न हो तो क्या करूं, एक के बाद एक मर रहे हैं। घर जाऊं तो वहां भी टेंशन, यहां हो तो काम में जी नहीं लगता। सावित्री ने तो घर को मंदिर बना दिया है, वहां भी चैन नहीं। साहब, इन सब का कारण है उस नागराज का अभिशाप। अगर इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे तो सब चैन से जी सकेंगे। यू आर राइट अमर, यही बात करने के लिए मैं यहां आया हूं। पास वाली पहाड़ी पर एक मंत्रवादी रहता है, बहुत ही पहुंचा हुआ है, अगर हम उसके पास जाएं तो वो हमें नागिन के इंतकाम से बचा लेगा। छोड़ो यार, मुझे इन सब में विश्वास नहीं है। सर, विश्वास से ज्यादा जरूरी है शांति, वो शांति कौन दिलाता है, इसे हमें क्या। चलिए ना सर। घर जाओ तो सावित्री, यहाँ आओ तो तुम लोग, ठीक है? चलो। पहले पाप किया, अब प्रायश्चित, और तुम्हें चाहिए परिहार। पाप से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आए हो। हाँ महाराज। नागिन के प्रहार के विषय में तुम नहीं जानते। सांप सिर्फ मारने वाले को ही नहीं, वो मरते समय अगर किसी को देख ले तो वो भी पाप का भागी होता है। पर तुमने मारा है देववंश वाले इच्छाधारी नाग को। देवताओं के रहस्य किसी को नहीं देखने चाहिए, लेकिन तुमने जो पाप किया है वो है इच्छाधारी नाग और नागी ने जब मनुष्य का रूप धारण किया हुआ अद्भुत दृश्य तुमने अपनी आंखों से देखा, और वही नागराज की मृत्यु का मूल कारण बना। लेकिन महाराज, ये सब अकस्मात ही हुआ। भूल को अकस्मात कहना, ये मनुष्य का सहज गुण है। महाराज, हम पर जो संकट चाहे उसे दूर करे, हमारे प्राणों की रक्षा करे। मदद मांगने आने वाले की मदद करना हमारा कर्तव्य है। उस नागिन को वश में करेगा गरुड़। उस गरुड़ का आह्वान करके उसकी शक्ति को तावीज में भर के मैं तुम्हें दूंगा। उस तावीज को बांध लोगे तो वो नागिन तो क्या
किसी भी प्रकार का सांप तुम्हारे समीप नहीं आएगा। इच्छाधारी नागों को वश में करने की अपूर्व शक्ति मुझ में है। वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंची। We'll be right back.
डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो नागिन अब मेरे बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। कल सूर्योदय के समय तैयार रहना। तुम्हारे हाथों हवन करके गरुड़ शक्ति युक्त तावीज सिद्ध करके दूंगा। धैर्य रखिए। ठीक है स्वामी जी। ओम रीम हीम क्लीम ओम चामुंडेश्वरी नमः। तावीज तुम्हारे शरीर पर रहने तक वो नागिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। धैर्य से जाओ। स्वामी जी आज्ञा दीजिए। निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों पर रहेगा। सच्चिदानंद गुरुनाथ। गुरुजी, मैं कुंभ के मेले में जा रहा हूं, मेरे लौटने तक इस पर ध्यान रखना। जो आ गया गुरुजी। नागराज,
चाहे कोई कैसा भी दिग बंधन पैदा करे, तुम्हें मृत्यु लोक पहुंचाने वाले को मारकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति पहुंचाऊंगी। ये तुम्हारी नाग देवी की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। ये क्या बेटी, इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमसे एक बार भी नहीं बताया। सुनो बेटी, ब्याह के बाद बेटी पराई हो जाती है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे साथ तो खून का रिश्ता है बेटी। ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, बेकार में आपको क्यों परेशानी दूं, इसीलिए। ठीक है बेटी, लेकिन इतना सब होने पर पुरोहित जी को बता देती, वो जरूर इसका कोई परिहार निकालते। बोला था पिताजी, मेरा मंगलसूत्र सदा गले में रहे, इसलिए मुझे 21 दिन पूरे 21 कलश रखकर व्रत रखने को कहा, लेकिन उस नागिन ने मेरे ही घर में घुसकर मेरे व्रत में विघ्न डाल दिया। मैंने बहुत याचना की लेकिन उसने एक नहीं मानी। मैं तेरे पति को मार डालूंगी, ऐसी शर्त भी लगाई है। सावित्री, रो मत बेटी, शांत हो जा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बेटी सावित्री, मृत्यु यमराज के सिवाय अगर किसी और के वश में होती तो ये भूमि अब तक बंजर हो जाती। इस तरह की शर्तें, बदले की भावनाएं सदियों से चली आ रही है बेटी। देखो, डरने से दुष्ट शक्तियां जीतेंगी, डराने से जीतेंगी दैवी शक्तियां। ये तुम्हारे पातिव्रत्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है बेटी। हाँ बेटी, सुहागिन अगर चाहे तो यमराज को भी जीत सकती है, ऐसा मैंने पुराण में पढ़ा है। अगर सुहागिन निश्चय कर ले तो वो जो चाहे वही होगा। इसके लिए देवी अर्मिलु द्वारा दिया गया श्राप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बेटी, इस संकट की घड़ी में तुम्हें पूरी तरह पति का साथ देना होगा। देवी दुर्गा माता का ध्यान करो, तब वो नागिन तो क्या, तीनों लोक के देवतागण भी तुमसे जीत नहीं पाएंगे बेटी। क्या हुआ, आज आप आधा घंटा पहले ही घर वापस आ गए? क्यों नहीं आ सकता है? जब मेरा मन करेगा तब आऊंगा और जब मन चाहेगा चला जाऊंगा। ये सब पूछने वाली तू कौन होती है? ये क्या, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोलूंगा, घर जमाई करके हमेशा मेरा अपमान जो करती है। सुनिए, क्या हुआ है आपको? लगता है तूने ठीक से पहचाना नहीं मुझे। मैं हूं नाग देवी, तेरे पति की आयु का आज अंतिम दिवस है। मुझे तो मैं मार डालूंगी। मेरे पति के रूप में आई इस नागिन को मारकर अपने पति को बचाना होगा। संगीता, तुम इस तरह टेंशन में क्यों? एनी प्रॉब्लम? क्यूरी, फिर से मेरे पति के रूप में आकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। संगीता, मंत्र शक्ति वाला ये धागा गले में डालने से मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा तुमने सोचा था ना? लेकिन उससे भी शक्तिशाली है मेरी बुद्धि शक्ति, अब तो ज्ञात हो गया ना? Mm-hmm.
ओफो, बहुत भूख लगी है, दिमाग फटा जा रहा है, आते मुंह को आ रही है। अरे बुद्धू बेटे, आज समझ लो ऐसे ही लेटे। ओफो, अरे तुम्हारे इंतजार में मैंने घर में खाना भी नहीं बनाया। सुबह मैंने फोन करके बताया था ना कि बाहर जाना है, फिर क्यों आने में देर लगाई? हाँ, बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। कैंसिल क्यों? देखिए, मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर आपके लिए लाई हूँ। यहीं पर खाकर पिक्चर देखने जाएंगे। ओ, पिक्चर विक्चर सब बाद में देखेंगे, बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खिलाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देख लिया कैसे सच निकल आया आपके मुंह से। क्या कहा? यही कि आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या खाने के लिए तैयार होना है? अभी हाथ धोकर आता हूँ। हाथों से बना खाना खा खा कर उकता गया हूँ, आज ये लेकर आइए, जम कर खाऊंगा मैं। हाँ। बस बस बस। हाँ, खाना वाकई बहुत ही बढ़िया है, ऐसा खाना आज तक मैंने कभी नहीं खाया। आज के बाद कभी खा भी नहीं पाओगे क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी भोजन है। हेलो, अमर स्पीकिंग। सुनिए सुनिए, किसका फोन था? बुद्धू और कुमार दोनों मर गए। सुनिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उन्हें उस नागी ने ही मारा होगा। सावित्री, ने संभालो। चलो। दामाद जी, मेरी बात सुनिए, कितने दिनों तक भयभीत रहेंगे? सुनिए, देवी की कृपा से घर जमीन जायदाद सब है, आखिर क्या चाहिए? खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज, उसके लिए प्राणों की आहुति देकर काम करने की हट अब छोड़ते क्यों नहीं? हट पैसे के लिए नहीं है पिताजी, मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाए और उस दवा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर मिल जाए, उससे हजारों रोगियों की जिंदगी बचेगी, हमारे देश को गौरव मिलेगा और मेरा नाम भी रोशन होगा। आप रोगियों को बचाने के लिए दवा की खोजबीन कर रहे हैं और मैं अपने पति के प्राण बचाने की युक्ति खोज रही हूँ। एक औरत के लिए सुहागन सौभाग्य से बड़ा और कोई भाग्य नहीं। कल अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? देखिए, दया करके आप मेरी बात को मान लीजिए।
ओके ओके, मान लो अगर हम गांव चले भी गए तो वहाँ वो नागिन नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी? माँ जी आप ही से समझाइए ना। मैं उसकी माँ हूँ। एक माँ अपनी बेटी के आंसू पोंछ सकती है, सिंदूर नहीं बेटे। हेलो अमर स्पीकिंग। ओह आई एम सॉरी, भूल गया था। हाँ आ रहा हूँ, स्टार्टिंग नाउ। ओके पिताजी मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। देख लिया पिताजी, उन्होंने आपकी बात की भी मर्यादा नहीं रखी, वो बहुत जिद्दी हैं। देखो बेटी सावित्री, कुछ अर्जेंट काम होगा इसीलिए गए होंगे। शाम को आने दो, मैं खुद उनसे बात करके समझा बुझा के उन्हें मना लूंगा, ठीक है? सावित्री तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चलो बेटी खाना खा लो। चलो बेटी, चलो बेटी। चलो। शाम को दामाद जी के आते ही मैं मना लूंगा, अपने गांव चलेंगे। चलो तैयारी करते हैं, चल चल। हाँ चलो माँ। जो हुआ उन्हें बताकर गांव चलते हैं। हाँ बेटी चलो पहले फोन करते हैं। हेलो। हाय सावित्री। सुनिए हमारे घर में जहाँ देखो सांप नजर आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना सब होने पर भी इस घर में रहेंगे तो वो नागिन हमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। सावित्री ज्यादा टेंशन मत लो, माँ और पिताजी कहाँ हैं? यही हैं। पार्वती वो स्कूल से अभी नहीं आई। ठीक है तुम उसे स्कूल से जाकर ले आओ, मैं घर पहुँचता हूँ। ठीक है आप जल्दी पहुँचिए। पिताजी मैं स्कूल जाकर पार्वती को लेकर आती हूँ, आप सारा सामान बांध लीजिए। ठीक है बेटी जाओ, तुम आओ। नमस्ते मैडम। स्कूल की छुट्टी हो गई? छुट्टी हुई तो पता बैठोगे मैडम। मेरी बेटी कहाँ है? वो देखिए वहाँ बैठी है। पार्वती क्यों मम्मी इतनी देर कर दी? सॉरी बेटी, मम्मी टेंशन में तुम्हें ले जाना ही भूल गई। चलो सावित्री। सावित्री क्या हुआ दामाद जी? सावित्री आई? अभी तक नहीं आई। ओ सुनिए दामाद जी से अपने गांव वापस आने की बात कीजिए ना। थोड़ी देर रुको, सावित्री को आने दो, लगता है इस वक्त दामाद जी बहुत परेशान हैं। सुनिए सावित्री, पार्वती कहाँ है? वो नीचे है। क्या हुआ था? पहले उस तावीज को निकालकर आप ये तावीज पहन लीजिए। क्यों? उस मांत्रिक ने जो तावीज दिए थे वो आपके दोस्तों ने भी पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उस नागिन ने आपके दोस्तों को मार डाला, इसीलिए उस तावीज को निकालकर ये तावीज पहन लीजिए। ये कहाँ से लाई? वो परसों मंदिर में दुर्गा माता के नाम से अर्चना करके हवन किया था, उसी से सिद्धि प्राप्ति तावीज है। ये बहुत शक्तिशाली है, इसे पहनने पर अगर वो नागिन आपके पास आई तो स्वयं जलकर भस्म हो जाएगी। कल कोई और कहेगा कि इस तावीज में बहुत शक्ति है, इसे पहन लो, तो क्या मैं पहन लूंगा? पागल। मेरी बात सुनिए, कम से कम मेरे ऊपर तो विश्वास कीजिए। लीजिए।
पहन लीजिए। तुम्हारी आज्ञा को भला टाल सकता हूँ? अभी पहनता हूँ। सामने देखकर भय लग रहा है। तुम्हारे नागराज की मौत का मैं कारण नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझसे उसका बदला ले रही हो। अगर मैं चाहता तो कब का तुम्हें मार सकता था, लेकिन अनजाने में हुआ पाप जानबूझकर नहीं करना चाहिए। ये अमर एक डॉक्टर है और मेरा कर्तव्य है लोगों की जिंदगी को बचाना, न कि उन्हें मारना। तो तुमने मेरे नागराज के प्राणों की रक्षा क्यों नहीं की? वो मेरे वश में नहीं था, विधि विधि का विधान है। मुझे चाहिए केवल तुम्हारे प्राण, उपदेश नहीं। नागदेवी, जाकर मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतनी जल्दी हार मान ली? तू तो कह रही थी कि तुझे सुहागन का सौभाग्य प्राप्त है, पतिव्रता स्त्री को कभी कोई हरा नहीं सकता, मेरे अंदर दैविक शक्ति है, यही कहा था ना? क्यों, कहां गई वो शक्ति? हाँ, तुम्हारे सौभाग्य का भाग्य अच्छा है, इसलिए अपने सुहाग की मृत्यु में बाधा बनकर आई हो। हाँ, किंतु अधिक संतुष्ट मत होना सावित्री, शीघ्र ही ये नागिन तुम्हें विधवा बना के छोड़ेगी, ज्ञात रहे। सावित्री, अपनी देवी पर विश्वास रखो, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। माता रौद्र रूपिणी, तुम पर विश्वास रखने वाली इस भक्ति की क्यों इस तरह परीक्षा ले रही हो? स्वामी रूपिणी, शांत स्वरूपिणी हो तुम, मेरा सुहाग छीन कर मुझे विधवा बनाएगी, ऐसी उस नागिन ने प्रतिज्ञा ली है। जब मेरा सुहाग ही नहीं रहेगा तो मैं अभी जी का क्या करूंगी? उससे पहले मेरे प्राण ले लो माँ, ताकि इस सुहागन का ये जीवन सफल हो जाए। Thank you.
इस कुमकुम भाग्य की तुमने कामना की थी ना? इस कुमकुम को प्रतिदिन अपने पति के कपाल पर लगाना। चिंता मत करो, इसे लगाने पर कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारे पति को नहीं छू सकेगी। ये कुमकुम भूमि पर ना गिरने पाए, अन्यथा ये शक्ति विहीन हो जाएगा। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे मीनाक्षी, विशालाक्षी, कामाक्षी के नाम से बुलाते हैं। अपने पति के बाहर जाते समय इस कुमकुम को लगा देना। हे माँ दुर्गे माँ, हमारी रक्षा करना। दादी, मम्मी कहाँ है? मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। और कहाँ, मंदिर गई होगी? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सावित्री मैं चलूँ? एक मिनट, ये देवी दुर्गा माँ के आशीर्वाद वाला कुमकुम है, इसे लगा लीजिए। घर वापस लौटने तक ये कुमकुम मिटाइएगा नहीं, इससे वो नागिन आपके नजदीक भी नहीं आएगी। हम दोनों के लिए कुमकुम, तुम्हारे लिए? शत्रु की नजर हमेशा राजा और उनके सैनिकों पर रहती है, उनकी रथ पर नहीं। हमारे लिए देवी का कुमकुम, तुम्हारे साथ स्वयं देवी है। मैं चलूं। बाय मम्मी। बाय बाय। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन सर। रेडी है? रेडी सर। सर कुमकुम। ओह आई एम सॉरी। इस कुमकुम भाग्य की तुमने कामना की थी ना? इस कुमकुम को प्रतिदिन अपने पति के कपाल पर लगाना। इसे लगाने पर कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारे पति को नहीं छू सकेगी। मुझे आज्ञा दें। नागराजायै नमः।
प्रचंड आह्वानयामि, प्रचंड आह्वानयामि, आह्वानयामि। मुझे बुलाने का कारण? मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, आओ। नाग देवी, मैं श्रापग्रस्त हूँ, मुझसे केवल दुष्ट कार्य ही होगा, श्रेष्ठ नहीं। तुम्हारा दुष्ट कार्य ही मेरे लिए सृष्ट है, मुझे अति आवश्यकता है तुम्हारी सहायता की। लो, इसे स्वीकार कर ध्यान मग्न हो जाओ। ये कौन है? ये मेरा शत्रु है, मुझे इसके प्राणों की आवश्यकता है। लेकिन क्यों? मेरे इस जीवन को व्यर्थ बना दिया है उसने, मेरे नागराज का हत्यारा है, उससे बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। उसने जो धागा डाला है वो शक्तिहीन है, उसके प्राण निकालने में बहुत आसानी होगी, उसका जीवन समझ लो समाप्त। दुर्गा माँ की शक्ति के कारण बहुत अकड़ रही थी ना, दुर्गा माँ की शक्ति भी उसकी रक्षा नहीं कर सकती। देख ले इस नाग देवी की शक्ति, आज मैं उसके प्राणों की आहुति चढ़ा कर ही रहूंगी। सावित्री, पिताजी, माँ जी, आप लोग यहाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ था माँ जी, आप सोइए।
आप आराम कीजिए। तुम आराम करो बेटी, आप सो जाइए। आप सो जाइए, कुछ नहीं हुआ। चल चल। परीक्षाएं लोगी, मेरे पति को क्षमा कर दे माँ। पुत्री चिंता मत करो, तुम्हारे पति का कष्ट मैं जानती हूँ। ये केवल तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये दैविक शक्ति और दुष्ट शक्तियों के बीच की लड़ाई है। देवतागण भी नवग्रहों की चपेट से बच नहीं पाए। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम सात सुमंगलियों के हाथों अपने मंगलसूत्र में कुमकुम लगवाकर पांच प्रकार के व्यंजन बनाकर उन सुमंगलियों को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लो। उनका आशीर्वाद तीन लोक के देवता गणों के आशीर्वाद स्वरूप है। जाओ पुत्री, धैर्य से जाओ। करके आप सब लोग भोजन के लिए पधारिए। आओ आओ। करके भोजन के रक्त से बना खाना खाने के लिए हम क्या राक्षस जाति के हैं? चलो बहनों चलो। मैं करके कोई बचाइए, मैं नहीं जाती कैसे हुआ, मैं दूसरा भोजन परोसती हूँ। बहन मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, दया करके कोई मत जाइए। भोजन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कम से कम उपहार स्वीकार कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। आइए आइए। लो बेटी हल्दी और कुमकुम दो। सुहागन सुहागन उपहार लो, सावित्री सावित्री उपहार दो। इस समंगली को अगर हमने आशीर्वाद दिया तो हमारा स्वाद मुश्किल में पड़ जाएगा। चलो बहनों। बहन कृपा करके मत जाइए, मेरी बात सुनिए। आप देवलोक की देवियों के समान हैं, मुझे आशीर्वाद देकर मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें, मेरे सुहाग की रक्षा करें। थोड़ा आगे जाने दो। Oh, my God.
मत रो बेटी, अपने आप को संभालो। तुम्हारी तकदीर को बदलने की शक्ति लगता है किसी में भी नहीं है। सुनो बेटी, दुर्गा माँ के पास जरूर कोई परिहार होगा। पहले इन सबको फेंक कर अपने घर को शुद्ध करो बेटी। जब जीवन में ही अंधेरा छा गया हो तो घर में उजाला करने से क्या फायदा पिताजी? मेरे पति से जो पाप हुआ है उसका परिहार उठा नहीं होगा। उस नाग देवी का, उस दुष्ट शक्ति का सर्वनाश करना ही पड़ेगा। क्या कहा? मेरा सर्वनाश करेगी? ए, मैं यहाँ आई हूँ तेरे पति के प्राण लेकर तेरे घर का सर्वनाश करने के लिए। मुझे सुमंगली का भाजी चाहिए, उसके लिए उपहार बांधेगी। ये फूल शुभ संकेत है ना? और ये चूड़ियां सौभाग्य का प्रतीक है ना? और ये कुमकुम तेरे पति की दीर्घायु के लिए है ना? ये मंगलसूत्र इंद्रा के विरुद्ध शस्त्र है। देखिए आपको क्या हो गया है? माँ दुर्गा देवी का ध्यान कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसे बात करिए। सावित्री, सावित्री देखो बेटी, आंखें खोलो। तुम ठीक हो ना बेटी? प्राण बख्श दो, चाहो तो मेरे प्राण ले लो। कृपा करो, कृपा करो। मुझे आवश्यकता है तेरे मंगल सूत्र की, तेरे प्राणों की नहीं। कल अमावस है, कल रात को मृत्यु से तड़पता हुआ तेरा पति शांत हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने अपने नागराज को खोया, उसी प्रकार तुझे भी अपने पति को खोना होगा। तेरा सुमंगली भाग्य का अंत करके तुझे विधवा बना दूंगी। उसके लिए 24 घंटे मात्र बचे हैं। तेरे पति ने जो तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया वो टूटकर बिखर जाएगा और मैं इसके प्राण लेकर चली जाऊंगी। सुनिए, सुनिए, सुनिए। सावित्री, मुझे क्या हुआ था? मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब किसने किया? आपके शरीर में दुष्ट शक्ति किकनी ने प्रवेश किया था, पर आप मेरी बात मानते ही नहीं है। हाँ बेटे, तुम्हारे प्राण संकट में हैं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करनी होगी। अब इस घर में रहना ठीक नहीं, चलो पहले मंदिर चलते हैं। Yeah!
क्यों रे? अपने पति को बचाने के लिए उसे मंदिर ले जाएगी? ये जाते क्यों, कैसे ले जाएगी? ए, तेरे पति के प्राण इसी घर से जाएंगे। मैं जीत गई, यकीन की नहीं, जीत गई। पिताजी, ये समय रोने का नहीं है बेटी, जल्दी से मंदिर चलो बेटी, तुम्हें जिस देवी पर विश्वास है वो जरूर इसकी रक्षा करेगी। चल बेटी, चल चल जल्दी चल। चलो बेटी। Oh.
इसकी देवी हो आदि शक्ति तीन लोक के देवता गणों की शक्ति तुम पर विश्वास करने वाली भक्ति की हमसे रक्षा करने की क्षमता तुम में है यदि है तो आओ जगदम्बे आपके दर्शन पाकर मुझे ज्ञानोदय मिल गया अपने नागराज के विवाह मोह के कारण मैंने चार मनुष्य के प्राण लिए मुझसे हुए इस पाप को क्षमा कर मुझे मोक्ष प्रदान करो माता मुझे मोक्ष प्रदान करो Thank you.